नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पशु गाय या भैंस में धू चीचड़ी या जो पैरासाइट हैं मक्खी वगैरह है और उनसे होने वाले जो घाव हमारे पशु के शरीर में हो जाते हैं उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में, जो कि बहुत ही सस्ता और उसको आप आसानी से जो है घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इसमें आपने सामग्री लेनी है, लहसुन की कलियाँ, नीम के पत्ते, निमोली, वत्स के कंद, हल्दी पाउडर, लेंटाना के पत्ते और तुलसी के पत्ते। हम इसमें सामग्री की मात्रा और बनाने की विधि के बारे में बात करें तो इसमें आपने 10 लहसुन की कलियां लेनी हैं, एक मुट्ठी नीम के पत्ते, इसके बाद एक मुट्ठी निमोली जो कि नीम का फल है, 10 ग्राम वत्स के कंद, 20 ग्राम हल्दी पाउडर, इसके बाद एक मुट्ठी लेंटाना के पत्ते और एक मुट्ठी तुलसी के पत्ते। आपने इन सब को इकट्ठा करके मिक्सी में जो है पीस लेना है और पीसने के बाद इसको आप 1 लीटर साफ पानी में मिला लेंगे और मिलाने के बाद आप एक सूती कपड़े से या एक बारीक छन्नी से आप इसको छानकर जो है एक बोतल भर लेंगे। तो ये जो दवा है आपका जो स्प्रे हो बनकर तैयार हो जाता है, जिससे आपके पशु में जो है जू चीचड़ी या जो बाह्य परजीवी हैं मक्खी वगैरह हैं उन सब से जो है निजात दिलाने में मदद करेगा। हम इसके उपयोग के बारे में बात करें तो आपने ये जो स्प्रे आपके पशु के पूरे शरीर पर जो है स्प्रे करना है, जहां आपको लगे कि ज्यादा जू चीचड़ी हैं या मक्खियां वगैरह हैं या फिर घाव कर रखे हैं तो वहां भी आप लगाएं। और इसमें जो है ज्यादा जू चीचड़ी के स्थान पर एक कपड़ा जो है इसमें भिगोकर जो है वहां आप लगा सकते हैं और हफ्ते में एक बार जो है आप ये स्प्रे जरूर करें। आप लगातार 3 सप्ताह ये स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पशु में जू चीचड़ी या जो बाह्य परजीवी हैं उन सब से जो आपका पशु निजात पालेगा, जो घाव मक्खियों ने कर रखे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये जो आयुर्वेदिक उपचार है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जो है सिफारिश की गई जो उपचार है, जो कि मैं आपके मध्य लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, आप घर पर तैयार कर सकते हैं और एक कॉमन जो समस्या है हमारे पशुओं में इससे आप निजात ले सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने इस उपयोगी जानकारी को जो है देखा होगा, लाइक किया हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।